पंजाब के लोगों का विश्वास खत्म हो गया, पंजाब के लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है उन लोगों पे जिन्होंने आज सेशन बुलाया है। इसलिए हम ये सेशन जो कर रहे हैं ये लोगों के, पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के जो रहने वाले हैं उनके मुद्दे लेकर हम जनता के सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो मौजूदा सरकार से उठ चुका है। आपको लगता है कि जो असली मुद्दे हैं वो वहाँ पर नहीं उठाए जाएंगे? कैसे, एक दिन के सेशन में कैसे बात होगी? वो तो सिर्फ सेशन इसलिए उन्होंने कॉल किया है कि सिर्फ अपनी बात करने के लिए कि हमारे पास 92 एमएलएज हैं, 92 एमएलएज हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलएज को खरीद रही है, जो कि बिल्कुल ही झूठी बात है। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है, लोगों को पहले गुमराह किया, बहुत से मुद्दे हैं, आज फिर इसी बात पे गुमराह करेंगे। लोगों ने इस बार एक एक साइड में बहुमत दे दिया, ओपोजिशन बनाई नहीं है, वो बाढ़ में हम दो हैं और पंजाब के मुद्दे अनेकों अनेक हैं। अगर विधानसभा के अंदर हमारे दो एमएलए पंजाब के मुद्दों की बात करें तो डेढ़ दो मिनट मिलती है, डेढ़ दो मिनट में होती नहीं है और ओपोजिशन है नहीं, तो इसलिए कि है कि लोग पंजाब के मुद्दे और लोग पंजाब की समस्या, किसान मजदूर व्यापारी, वो हम यहाँ पे अपनी विधानसभा बना के रखेंगे और बात तो मीडिया के माध्यम से लोगों में जाएगी। विधानसभा में बोलेंगे तब भी जाएगी, यहाँ बोलेंगे तब भी जाएंगी, मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों देश और विदेशों में जाएगी। तो बता रहे हैं कि उनके पास तो तीन विधायक भी नहीं है, तो सेशन कैसे? ये जनता का है, इसमें एक भी ना हो तो भी बुला सकते हैं, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको राइट है अपनी बात रखने की, तरीका अपना अपना होता है। किस चीज का लाएंगे, कौन लेके आएगा? वो एक तरफा ही है, ओपोजिशन तो है नहीं, पर एक बात है, इस बार उनकी बहुत ज्यादा फजीती हुई है, बहुत बेइज्जती हुई है और गवर्नर ने भी कहा है, लोगों ने भी, लोगों की समझ में आ गई भी ये ना समझ लोग ने। देखो बाढ़ में विधायक एक पास दो और एक अंदर लोटस 25-25 करोड़ भी खरीदे और साथ में हमारे देश में दल बदलू कानून भी है और दो वाले सरकार कैसे बना सकते हैं और 25 करोड़ अपनी अपनी कीमत अपने आप ही लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास घोड़े होते हैं, हम मेले में जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता, हम कहते हैं 1 करोड़ का घोड़ा है, घोड़ा होता है 10,000 का, ये अपनी कीमत 25 करोड़ लगा रहे हैं, वैसे है ये 1,500 की। देखिए बात ऐसे है, पंजाब के जो सही मुद्दे हैं वो मुद्दों को उजागर करने के लिए हमें ये सेशन बुलाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के ऊपर जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस का इल्जाम लगाया वो बताने के लिए इधर एकत्र हुए। ये ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन बोगस निकला है इन पर। एक भी आदमी का नाम, कोई फोन नंबर, कोई गुफ्तगू, कोई चीज नहीं इनके पास, सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी अरविंद केजरीवाल जी के जरिए, भाई जो आम आदमी पार्टी पंजाब से कोई चीजें बताना चाहती थी गुजरात और हिमाचल की इलेक्शन में, वहां नाकाम हुई है तो क्या करें, इनके ऊपर इल्जाम लगा दो, ये सफाई देंगे, हम कहेंगे देखो जी हमें चलने नहीं देते। सो ये सारी चीजें पंजाब के लोगों को, जिन्होंने ये सरकार चुन के भेजी थी, उनको बताना है। जो पगड़ी इज्जत की बांधी थी वो पगड़ी ये लोग ही उतारेंगे इनकी, बहुत बुरी तरह 6 महीने में फेल हुई है सरकार। ये तो वही जानते हैं, ये तो वही जानते हैं, क्या करेंगे, मुंह की खानी पड़ी है, शायद अपनी फेस सेविंग के लिए लेकर आए।